जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो पर। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम डीपी चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अपने टाइम टेबल को किस तरह से मैनेज करें, क्या अपने टाइम टेबल को बनाएं ताकि एक बेहतर स्कोर के साथ आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएं। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं मैं अपने समय में, जब 2018-19 के करीब आरपीएफ की वैकेंसी आई थी उस समय मैंने प्रिपरेशन किया था और अप्रोक्स 94 मेरे मार्क्स रॉ स्कोर बने थे। नॉर्मलाइजेशन का उतना ध्यान नहीं है, ये एक आध नंबर प्लस या दो नंबर के करीब ही बढ़ा था, ज़्यादा नहीं हो पाया था नॉर्मलाइजेशन। तो ये जो 94 मार्क्स है ये मैंने किस तरह से प्रिपरेशन करके लाया था, क्योंकि बेटर स्कोर था, फाइनल सिलेक्शन में नहीं ले पाया, उसके भी रीज़न को आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी ज़रूरी है कि मैं अपने टाइम टेबल को आपके साथ शेयर करूं, शायद इससे आपकी हेल्प हो पाए, आप समझ पाओ कि कैसे कैसे पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाए। साथ ही साथ बात करेंगे हम कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने माइंड में क्या रखकर चलें, जिस तक आपको हर हाल में पहुंचना है। मैं कोई फाइनल कट ऑफ की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने माइंड में एक कट ऑफ लेकर चलना ही होता है कि हाँ, मुझे इस मार्क से नीचे स्कोर नहीं करना है, मुझे 95 करना है, मुझे 90 करना है, मुझे 85 करना है। वो गुड स्कोर क्या है जो मुझे फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगी, वो भी अपने माइंड में रखना एक बेहतर स्टूडेंट का सही चीज है, जो हर एक स्टूडेंट को रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं इस बात से कि मैं तैयारी कैसे करता था। देखिए, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वैसे तो मेरा जीके जीएस है, मुझे कुछ भी याद करना अच्छा लगता है, उसका ट्रिक बनाकर उसे लंबे समय तक याद करने में मुझे मजा आता है। जीके मेरा फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट सब्जेक्ट है। उस समय की बात है जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था, मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल ज्वाइन कर रखा था, यूट्यूब चैनल, उसे डेली देखता। अगर वो 20 मिनट का है तो 20 मिनट में एक एक वर्ड नोट डाउन करता, चाहे वो पुराना क्वेश्चन हो, चाहे नया क्वेश्चन हो, या फिर रिवाइज में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, सभी को लिखना, सभी का आंसर लिखना, ए टू जेड बातों को लिखने में मुझे करीब करीब 20 मिनट के वीडियो को ख़त्म करने में 1.5 घंटा लग जाता। और ऐसे मैंने कम से कम 1.5 साल किया है, करंट अफेयर से कभी बोर नहीं हुआ, हमेशा पढ़ा, हमेशा उसे टाइम दिया। दिन के शुरुआत में मेरा सबसे पहला काम क्या था, करंट अफेयर्स पढ़ना। और रेलवे के एग्जाम में आप जान सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा करीब 7, 8, 10 भी मैक्सिमम जा सकते हैं 120 क्वेश्चन में से, तो आप इसको हल्के में ना लेंगे। करंट अफेयर्स आप देखिए, नोट डाउन कीजिए और दूसरे दिन रिवाइज कीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये खत्म होते ही 8 बजे अभिनंदन सर की मैथमेटिक्स की क्लास आती थी, आरपीएफ के लिए ही स्पेशल। अभिनंदन सर मेरे मैथ में फेवरेट थे तो मैं उनके क्लास को 1 घंटा देखता था। अगर वो 1 घंटे में 35-40 क्वेश्चन करवाते थे तो उनमें से करीब करीब 15-17 क्वेश्चन ही होते थे जो मुझे थोड़े बहुत समझ में नहीं आते थे, बाकी सारे आ जाते थे, क्योंकि मैथ पहले से ही ठीक हो चुका था आरपीएफ की तैयारी करने तक तक। तो वो चीज़ जो है मैथ, वो मुझे बेटर, वहाँ से जो भी थोड़े मोरे डाउट बचे थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अभिनंदन सर के समझाने का स्टाइल पसंद था, हो सकता है आपके फेवरेट सर कोई हो जिनसे आप पढ़ रहे हो, आप अभिनंदन सर को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप सजेशन चाहते हैं। नहीं चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास कोई बेटर टीचर है तो वो बढ़िया है। ये मेरा दूसरा नंबर काम हो गया। अब 8 बजे से 9-9:30 बज जाता था सुबह, मैं 6 या 5:30 से उठ के ये जो 9-9:30 तक का काम है कर लिया, ख़त्म। इसके बाद आधे घंटे में ब्रेकफास्ट करना, नहाना वगैरह जो भी है बिल्कुल फ्रेश होके 11 बजे फिर से बैठ जाना। अब मैंने 2 बुक का सहारा लिया है जीके जीएस को पढ़ने के लिए, खास तौर से रेलवे की तैयारी में अगर मैं बात करूं तो स्पीडी जो बुक है वो बेटर है, स्पीडी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अभी जो एक बुक मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि स्पीडी थोड़ी सी आउटडेटेड यहां पर दिख रही है, काफ़ी चीज़ों की उसमें कमी आ गई है, लेकिन स्पीडी के अलावा जो अभी अपडेटेड वर्जन है उसी का हो बहू वो 27,000 खान सर की ये वाली बुक है। इस बुक को अगर आप प्रेफर करते हो अभी से इसके टोटल पेजेस को काउंट करके और उसके बाद खान सर वाली जो बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि स्पीडी आउटडेटेड है। सपोज कीजिए खान सर वाली बुक में 500 पेजेस है टोटल,
आपके पास अगर देखा जाए कि मान लीजिए सितंबर में एग्जाम होना, जून जुलाई अगस्त 3 महीने, 90 दिन में 500 पेज को कवर करना है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पर डे कितना पेज हम पढ़े ताकि 90 दिनों में 500 पेज के करीब पहुंच जाए। तो करीब करीब 6 से 7 पेज बनता है, 5 से 6 पेज बनता है। तो इन 5 से 6 पेज का आप टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे डेली ये पढ़ना है, जिस तरह से मैंने स्पीडी का और लूसेंट का कर रखा था। इन 2 घंटों में मैं स्पीडी लूसेंट किसी एक बुक को पढ़ता और सेट था कि हाँ मुझे 5 पेज पढ़ना है, 5 पेज को याद करना है, वो जो नहीं आता है उस पर टिक लगाना है और उसे बाद में फिर से यानी शाम को जो मैं पढ़ाई करने वाला हूँ उसमें उसे अच्छे से याद करना। अभी तो सिर्फ मैं वो ढूंढने में लगा हूँ जो मुझसे याद इजीली हो जा रहा है, जिससे जिसके वर्ड उतने ज़्यादा टेढ़े मेरे नहीं है, जो इजी टू यूज़ है, इजी टू रिमेम्बर है, याद करना वो याद है। लेकिन जो याद नहीं हो रहा है उस पर टिक लगाते जाना, गोला मार्क्स करते जाना। और ये 2 घंटे में जब काम खत्म होता था 11 से 1, तो मैं अब 1 घंटे की नैप लेता था, सो जाता था। 1 घंटे की नैप के बाद जब 2 बजे उठा तो अपना लंच करके फिर से थोड़ा ब्रेक लेके 3 बजा, यानी 1 से 3 का गैप मानिए रेस्ट का ही रहता था। 3 बजे से अब मैं फिर से अपना पढ़ाई शुरू करूंगा जीके का ही। तो अब उन सभी क्वेश्चन पेजेस पे मैंने मार्क्स या गोला लगाया है, उनको सही से याद करना, उनके ट्रिक्स बनाना, उनको कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा YouTube वीडियो है जो उनमें से मिलते जुलते क्वेश्चन को याद करवा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया वो YouTube के थ्रू समझ सकें। ये सभी काम मेरे 3 से 6 के बीच होते थे। तो आप देख सकते हो कि मैथ मैंने कर लिया, सुबह करंट अफेयर्स कर लिया और अब 6 बजे शाम तक GK भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है आपसे RPF में, 50 GK GS, 35 मैथ, 35 रीजनिंग। क्योंकि मेरा जो ये था रीजनिंग वो बिल्कुल मस्त था शुरू से, अगर 35 नंबर पूछा जा रहा है तो मेरे 30+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करने की ज़रूरत पड़ी थी, प्रैक्टिस सेट से ही मैंने रीजनिंग को तैयार कर लिया था। तो जो शाम का समय है ना उसमें मैं 6 से 7 1 घंटे जो है अपने प्रैक्टिस सेट को दिया करता था, बिल्कुल फास्ट करता सब कुछ, कैलकुलेशन मैथ का बिल्कुल स्लो नहीं, बिल्कुल फास्ट जितना हो सके मेरे से। अगर मैंने 1 घंटे खुद को समय दिया हम तो कोशिश करूंगा 50 मिनट से पहले उसे मैं पूरा डन कर जाऊं, प्रैक्टिस सेट को बना जाऊं, कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, सारा कुछ बना जाऊं। तो इस तरह से कर लेता था। अब अगले आधे घंटे में मैं उसे चेक करता था कहाँ मैं गलत हो गया, कहाँ सही हो गया, जैसा कि प्रैक्टिस सेट के बाद आप सभी भी करते होंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर आप प्रैक्टिस सेट मारते हो ना तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ही यही है कि आप उसको फिर से लास्ट में देखो कि कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ सही हुई, क्या ऐसी कमियाँ थी जिसे दूर कर सकता हूँ और ऐसा क्या है जिसे दोबारा गलती नहीं करना है। तो ये करता था मैं आधे घंटे में, बस चेक करके छोड़ देता था। अब जब मैं सुबह उठता था तो हालांकि 6 बजे से पढ़ाई मेन चालू होती थी, लेकिन मैं 4, 4:30 के करीब उठ कर रिवाइज मारता था। जो भी मैंने आज पढ़ा उसको कल सुबह सबसे पहले रिवाइज मारूंगा, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, GK GS हो गया, प्रैक्टिस सेट में बचने वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो हो गए। तो प्रैक्टिस सेट, GK GS और ये करंट अफेयर्स, इन सबको उठते उठते रिवाइज मारता था सटासट। 1 घंटे से कम समय में इन सभी को रिवाइज कर जाऊंगा, जो जो लिखा था मैंने उन सभी को एक बार पढ़ जाऊंगा, जो जो मेरे डाउट वाले चीज थे उन सभी को एक बार देख लूंगा। तो इस तरह से मैं रिवाइज 1 घंटे में करता था, आधे घंटे में फिर फ्रेश होके 5:30 से करंट अफेयर्स चालू। यही था मेरा दिनचर्या, यही था मेरा टाइम टेबल। मजा आता था, कब दिन खत्म हो जाता था पता नहीं। पता है दोस्तों, पढ़ाई की सबसे बड़ी चीज यही है ना कि आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह कब हुआ और शाम कब हुआ, तो आप एक बेहतर रास्ते पर चल रहे हो और यकीनन आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। अब आगे कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो देखिए मेरा मानना है कि कट ऑफ के लिए अभी जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं मेल में कांस्टेबल के लिए, वो 90 पकड़ के चलें कि 90 रॉ मार्क्स लाना है। फिर से बता दूं, ये जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको एक्सपेक्टेड अपने माइंड में लेकर चलना है कि इससे कम मार्क्स मुझे नहीं करना है हर हाल में, इससे ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। तो ऐसा करेंगे आप, 90 हो गया जनरल के लिए। EWS और OBC को समान रखते हुए हम 87 लेकर चलते हैं, 87+ आपको लाना है EWS और OBC को, ये दोनों कैंडिडेट मेल कैंडिडेट में।
जो भी मैं मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ उससे 5-5 अंक पीछे फीमेल हो जाएंगी। जैसे कि जनरल 90 था मेल तो 85 हो जाएगी फीमेल, 87 था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल तो 82 हो जाएंगे फीमेल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। इसी तरह से 80 एसटी के लिए और 77 जो है 80 एससी के लिए और 77 एसटी के लिए मेल कैंडिडेट और 5-5 घटा के फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये मैंने कॉन्स्टेबल की बताई है, कॉन्स्टेबल एज्यूम करता हूँ। और इन सभी में अगर 10 मार्क्स प्लस कर दिए जाएं तो वो एसआई के लिए है। तो ये जो कट ऑफ है इसको आप माइंड में लेकर चलना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनरल वाले 90, 87 ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 80 एससी और 77 एसटी। 5-5 अंक महिलाएं कम कर देंगी फीमेल कैंडिडेट और 10-10 अंक बढ़ा देंगे एसआई कैंडिडेट। अगर आप ये लेकर चलते हो, अगर आपके प्रैक्टिस सेट में अभी ये आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है, यकीनन आप इस बार जगह बना लोगे। हाँ, 400-500 सीटों पर आपकी लड़ाई तो हमेशा से रहेगी और रहनी भी चाहिए, तभी तो एक कोयले से हीरे की पहचान भी होगी। तो बस मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल चलो चलो शुरू शेयर कर देते हैं। काफ़ी दोस्त पूछते भी रहते हैं कि क्या है, कैसे आपने तैयारी की थी, सर प्लीज़ कभी बताइए। तो मैंने ऐसे ऐसे की थी, अगर आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। हमेशा उस चीज़ पर फोकस कीजिए जो आपका कमज़ोर है, जो आपसे कम सॉल्व हो रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है। जो बेहतरीन है उसको कम समय दीजिए, जो खराब है उसे ज़्यादा समय दीजिए। तैयारी की यही बात होती है। अब बताता हूँ कि मैं कैसे रह गया था आरपीएफ में। 94 मार्क्स आए, बढ़िया मार्क्स आए थे, तो मैं कहाँ रह गया। मैंने पढ़ा था साउथ के लिए सिकंदराबाद बोर्ड में, कौन से ग्रुप में था याद नहीं आ रहा है, तो सिकंदराबाद के लिए पढ़ा था। 94 मार्क्स तो आ गए, फिजिकल के लिए कॉल लेटर आ गया, समय 1 महीने का ही मिला था, 1.5 महीने का लगभग फिजिकल के लिए। तो मैंने बहुत हल्के में ले लिया था इसके रनिंग को, आप लोगों को नहीं लेना, इसकी रनिंग बहुत टफ होती है। 5 मिनट 45 सेकंड में मारना है। हालांकि आर्मी इतनी टफ तो नहीं है लेकिन फिर भी टफ है। 5 मिनट 45 सेकंड क्या, 6.5 मिनट भी आज कोई मार रहा है तो बहुत अच्छे स्ट्रेंथ कैपेसिटी है उसके पास, तभी 6.5 मिनट में वो मार पा रहा है। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर 5 मिनट 45 सेकेंड में मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर भागना है तो उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की नीड होती है। उस तैयारी को भी आप लोग डेली खुद को आधे घंटे देकर प्रिपेयर रखें। ऐसा ना हो कि रिटर्न में बढ़िया कर कर आप फिजिकल के लिए बेकार हो जाए। तो मैंने यही गलती की थी, फिजिकल में पास नहीं हो पाया और वहीं से डाउन आ गया, मैं वापस आ गया। तो बस चेन्नई मेरी दौड़ पड़ी थी, वहां जाने के बाद फिर कुछ हुआ नहीं, वापस आया। तो इसी तरह से आप तैयारी करें, अपने आप को बेहतर बनाएं और जरूर सफल हो। आप सभी के लिए प्रार्थना है दिल से भगवान से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से जरा भी फायदा फील हुआ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।